हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे, और इसकी एनालिसिस मैंने बहुत पहले किया था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसमें बाई करेंगे, और अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो बाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था जिसे ब्रेक कर दिया इसने, नीचे की ओर, ऊपर की ओर ब्रेक नहीं किया। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, तो अभी देखेंगे। फिलहाल ये एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे रेंज बना रहा है, ठीक है। इसने ऑलरेडी यहाँ पे जो रेंज बनाया था उसको ब्रेक कर दिया है नीचे की ओर, और 1:1, अराउंड 1:1 यहाँ पे टारगेट भी दे रहा है। तो अभी आगे आने वाले समय में यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसके इंपॉर्टेंट्स, यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो देख लेते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। इस मंथ के बाद डायरेक्टली ये 18.55 से ओपन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 5-5% का सर्किट लग रहा था। और अभी सिनारियो क्या है, अभी ऐसा सिनारियो है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड इसमें स्टार्ट हो गया, और अब ये डाउन ट्रेंड रुकेगा नहीं जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, जब ये इसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे इसका ट्रेंड रिवर्स होगा। तो अभी नीचे जाने के लिए इसके पास स्पेस है 18.55। अगर उसके नीचे निकलता है यहाँ पे, तो थोड़ा ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये जुलाई 2021 से अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। और अभी अगर ये ब्रेक हो रहा है लेवल, तो यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकडाउन होगा, और फिर ये बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलेगा। अभी हम लोग देखेंगे कितना नीचे ये जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे पिछले पिछले 2 वीक से यहाँ पे गिरावट चल रही है, और 23 से ये अभी 19 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। और अभी लेटेस्ट इसने जो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ये दिया है 19 का। तो ये जो ब्रेकडाउन है यहाँ पे, ये इसको और नीचे लेके आएगा, देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से। अभी जो यहाँ पे लेवल है 18.55 का, ये थोड़ा यहाँ से नीचे है, जब तक ये यहाँ पे जब भी 18.55 के आसपास आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ही हमें ये बाउंस बैक देने वाला है। और ये बाउंस बैक जब देगा तो ये फिर से हो सकता है 21 के आसपास, या फिर 20 के आसपास आए, और ये बाउंस बैक देने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। जैसा यहाँ पे इसने रेंज बनाया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे रेंज बनाएगा, और फिर ये डिसाइड करेगा इसको ऊपर की ओर निकलना है या नीचे की ओर। लेकिन अगर ये गलती से यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे देता है, 18.55 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग को इसमें नीचे की ओर फॉल देखने को मिल सकता है। और ये फॉल इसको देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी हमारे सामने, वो 18.5 से लेके इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पे 17.5 का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये शेयर 5% के गैप अप ओपनिंग में यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट किया था। तो अगर अगर हम लोग यहाँ पे फीबो लगा के देख लेते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से फीबो लगाएंगे, तो ये फीबो का अराउंड ऑलरेडी 61.80 के आसपास इसने ब्रेक कर दिया, और अभी ये 78.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो पहला जो सपोर्ट इसको यहाँ पे मिलेगा वो 78.6% के लेवल को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारे लिए क्लियर हो गया है कि ऊपर के जो हमारे पास लेवल है, ठीक है, ऊपर का जो हमारे पास पहला लेवल है सपोर्ट के लिए, वो है 18.55 से लेके 17.5 का, एंड उसके बाद का जो यहाँ पे सपोर्ट है 15.35 का है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चल के देख लें, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई करना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई करने के पहले आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाने देना चाहिए, एंड उसके बाद में ही आपको अपने पैसे इसमें डालने चाहिए। एटलीस्ट जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अप ट्रेंड में आ जाएगा, और अप ट्रेंड में आने के बाद फिर से ये 24 का लेवल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है ऊपर की ओर, तब तक मैं इसमें इससे थोड़ा दूरी बना के रखा हूं, और दूरी अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखा हूं, क्योंकि एक अच्छा शेयर है। लेकिन अच्छे शेयर में भी ये देखेंगे, ये पूरे 1 साल से एक ही रेंज में है, ठीक है। इस रेंज को इसने ऊपर या नीचे किसी और ब्रेक नहीं किया है पूरे 1 साल से। जिसके भी पैसे इसमें हैं, फंसे हैं, अगर ये नीचे निकलता है तो वो लोग अपने पैसे निकालने लगेंगे, अगर ये ऊपर निकलता है तो पैसे और आएंगे। तो अभी नीचे का सिनारियो है, तो यहाँ पे नीचे जैसे जाएगा तो लोग पैसे निकालेंगे डर के, और ये तेजी से फॉल हो सकता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो कोई भी डिसीजन आपको अपने एनालिसिस के बाद में लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।